अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुझे एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 3 में जनाब, आज हम सीख रहे हैं नाउन। व्हाट इज द नाउन? नाउन क्या होता है? तो जनाब, नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ एनी थिंग। किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। लाइक मेरे हैंड में ये पेन है, मार्कर, इट्स अ नाउन। बोर्ड इज अ नाउन। आई एम अ टीचर, टीचर इज अ नाउन। फीमेल, वुमेन, वुमेन इज अ नाउन। ओके, लाइट, लाइट इज अ नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ नेमिंग वर्ड ऑफ एनी थिंग्स। किसी भी चीज के नाम को हम कह सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी वर्ल्ड में ऑल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ नेम। तो दुनिया में तमाम जो चीजें होती हैं वर्ल्ड में, उन सबका कोई ना कोई नाम होता है। वो क्या कहलाता है? वो नाउन कहलाता है। इसके अलावा ये जो तमाम नेम्स हैं, तमाम नेमिंग वर्ड्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो नाउन कहलाते हैं। इसके अलावा आप यूं समझ सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ नाउन किसी भी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम या किसी एनिमल का नेम। इन सबको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आपको क्लियर हो गया कि दुनिया में जो जितनी भी चीजें हैं उन सबका कोई ना कोई नाम होता है, उसको हम किसी ना किसी नेम से कॉल करते हैं। तो किसी भी चीज की नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन। पूरी दुनिया में जितनी चीजें हैं उन सबका कोई ना कोई नाम होता है, वो नाउन होता है। इसके अलावा ये जो तमाम नेम्स हैं, तमाम नाउन है या तमाम नेमिंग वर्ड्स हैं, वो सब क्या हो गए? किसी के भी नाम हो गए या नेमिंग वर्ड हो गए, वो सब क्या हो गए? नाउन हो गए। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा आप इसको यूं समझ सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम और एनिमल का नेम। जैसे कि आप यूं समझ लें कि आपके पास कोई बुक है, तो बुक क्या हो गया? ये नाउन हो गया। एग्जाम्पल में इसकी एग्जाम्पल यूं समझ लें कि बुक है तो बुक नाउन हो गया, बर्ड एनिमल है, बर्ड नाउन हो गया। इसके अलावा आप यूं समझ लें बुक के अलावा स्कूल नाउन हो गया, गर्ल नाउन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप यूं समझ लें कि और कुछ, आप किसी गर्ल का या किसी बॉय का यूं नेम समझ लें, अस्मा, ये नाउन हो गया। सिटी, ये भी नाउन हो गया। अब सिटी का कोई नेम आ रहा है कराची, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। ये प्लेसेस में आएंगे दोनों। इसके अलावा आपके पास कोई पेंसिल है या पेन है तो ये नाउन हो गया, ये भी। इसके अलावा आपके पास कोई भी जैसे कि डॉग है तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये आपको नाउन क्लियर हुआ। इसके बाद में इसकी एक्टिविटीज कराऊंगी काफी सारी, उस एक्टिविटीज से आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि नाउन होता क्या है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन किसी भी चीज के हम नाम को कहते हैं कि हम उसको जिस चीज से कॉल करते हैं वो नाउन कहलाता है। अब नेमिंग वर्ड भी हो गया, नेम भी हो गया, ये सब चीजें नाउन हो गई। इसके अलावा नाउन को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग के नेम को कहते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दी है, तो इससे आपको समझ आ रहा है कि नाउन क्या चीज होती है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। इसकी एक्टिविटीज हम करेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने आपका होगा कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। जो मैंने वीडियो आपको बार बार बताई है, इस चीज को आप बार बार देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि नेमिंग वर्ड जो होता है वो नाउन कहलाते हैं। किसी भी चीज का नाम, फैन है, फैन नाउन हो गया, लाइट है, लाइट नाउन हो गया, गाड़ी, कार, कार नाउन हो गया, स्टूडेंट, स्टूडेंट पढ़ते हैं तो स्टूडेंट पर्सन हो गया, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर नाउन हो गया। कोई भी चीज जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी शख्सियत, उसकी शनाख्त कर रहे हैं, आइडेंटिफाई, वो नाउन होता है। नाउन यानी उस चीज को बताता है कि वो ये चीज है। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये नाउन है, ये वॉल है, ये नाउन है। आप इन दोनों में फर्क पता चल रहा है ना कि मैं इसको तो बोर्ड नहीं कह रही ना, आपको मैं बोर्ड बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रही है कि क्या चीज बोर्ड है। तो नाउन क्या करता है? नेमिंग वर्ड को कहते हैं, ठीक है। आज की वीडियो का एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और उसको मजीद समझने के लिए आप मेरी एक्टिविटीज वाली वीडियो देखेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, महमूद अकेडमी को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।